लगभग 60 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं सचिन पायलट कांग्रेस का खेल। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो समीकरण जिनकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। फर्क बस इतना है कि ये लड़ाई पहले आंतरिक थी और अब ये लड़ाई आर पार हो चली है और पायलट अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने की फिराक में नहीं है। और अब जो वो उड़ान उन्होंने भर चुकी है, वो किस दिशा में उन्हें ले जाने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ये तो तय मानिए कि सचिन पायलट अब पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। वो अपनी अलग पार्टी बनाकर राजस्थान के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी पायलट को जो सम्मानजनक पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। जिस तरह से पिछले दिनों शांत चल रहे पायलट गहलोत पर आक्रामक हुए हैं, पिछले दिनों बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं होने से नाराज पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया और अनशन के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पार्टी विरोधी तक बता दिया। लेकिन पायलट अपने स्टैंड पर कायम है। ये कांग्रेस को पायलट का इशारा है। दाव लगे सियासी करियर को बचाने के लिए पायलट के पास अब बगावत करने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। पायलट के अनशन के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चला। केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी को पूरे मामले का फीडबैक प्रभारी ने दिया। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने ही फिर से गहलोत पर हमला बोल डाला और अब पायलट अपने स्टैंड पर अड़ चुके हैं। आपको बता दें कि पायलट ने सीएम गहलोत पर हमला बोला था और कहा कि हमने पटवारी अधिकारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे हैं। अनशन के 2 सप्ताह के बाद भी सरकार ने कार्यवाही नहीं की, यह अनशन पार्टी के हित में था। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के कदम को पार्टी विरोधी बता दिया था, तो क्या अब सचिन पायलट पर कार्यवाही होगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कार्यवाही हो या ना हो, लेकिन पायलट ने अपना मन बना लिया है, वे अब आर पार के मूड में हैं। यह तो तय है कि पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अगर पायलट अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाती हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्तीफा कांड के बाद अनुशासनहीनता के मामले में पहले से गहलोत समर्थक 2 मंत्रियों और 1 नेता पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई और अगर पायलट पर कार्यवाही की जाती है तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा। दूसरी वजह यह है कि चुनावी साल में अगर पायलट पर कोई एक्शन लिया जाता है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पार्टी का प्रभाव कुछ क्षेत्रों या जिलों तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में। पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में भी गिने जाते हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले पायलट ने समाज की राजनीति नहीं की है। उनके समर्थक विधायकों को देखेंगे तो गुर्जर, मीणा, जाट, राजपूत सभी वर्ग से आते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भाजपा से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। पायलट का बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल असंभव दिखता है, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही सीएम फेस को लेकर खींचतान चल रही है। वहां सीएम की रेस में पहले से ही कई बड़े बड़े नाम चल रहे हैं और पायलट को वहां वो सब मिल जाए जिसकी वो लड़ाई चल रही है वो दिखता ही नहीं है। दूसरा, अगर पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी में उनके समर्थक नेताओं को वो तरजीह नहीं मिलेगी। काफी हद तक मुमकिन है कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संतुष्ट करते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो पायलट को अपनी लाइन जरूर बदलनी होगी। और यह भी संभावना है कि पायलट अपनी अलग पार्टी की घोषणा कर दें। अपने पॉलिटिकल करियर के साथ साथ पायलट पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके समर्थक नेताओं के भविष्यों की है। अगर वो कांग्रेस में रहते हुए समर्थक नेताओं के लिए कुछ नहीं कर पाए तो उनके पास अलग पार्टी बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। पायलट अपनी अलग अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीटें आ सकती हैं, चलिए आपको बताते हैं। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान में पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। 15 विधानसभा सीटों पर एक तरफा पायलट का कब्जा है। इनमें दौसा की 3, सवाईमाधोपुर की 3, टोंक की 1, झालावाड़ की 1, कोटा, बूंदी, भरतपुर की 1-1, अलवर, धौलपुर और जयपुर की 1-1 सीटें शामिल हैं। वहीं 20 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर यहां पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा तो पायलट को कम से कम 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। अकेले अपने दम पर पायलट 20 से 25 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 20 सीटें तो ऐसी हैं जहां गुर्जर थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यहां पायलट अपने कैंडिडेट्स जिता तो नहीं सकते लेकिन हरा जरूर सकते हैं। 15 सीटों पर गुर्जर चौथे नंबर पर, अगर यहां जीतने वाले कैंडिडेट का जीत का मार्जिन 25,000 से कम होता है तो भी गुर्जर यहां हरा सकते हैं। तो ये सब मिलाकर लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर पायलट कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। और अगर पायलट और बेनीवाल साथ आते हैं तो किंग मेकिंग की पोजीशन बन सकती है।
पिछले दिनों जिस तरह से नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि सचिन पायलट अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो पायलट के साथ हम गठबंधन को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पायलट उनके साथ हो जाएं तो वे बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला सकते हैं। आपको बताया है कि बेनीवाल जाट समाज से आते हैं और राजस्थान में जाट समाज का अच्छा खासा जनाधार है। राजस्थान में जाटों की आबादी 10-12% है और पिछले चुनाव की बात करें तो RLP ने 3 सीटें जीती थी, इस बार 5-7 जीत सकते हैं। पायलट और बेनीवाल एक साथ आते हैं तो इस हिसाब से 27-30 सीटों पर कब्जा बना सकते हैं और एक किंग मेकिंग पोजीशन बन जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर जीत के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली, बीजेपी को 73, बहुजन समाज पार्टी को 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2, भारतीय ट्राइबल को 2, राष्ट्रीय लोक दल को 1 और 13 सीटें निर्दलियों ने जीती। इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी की भी सीटें बढ़ने की उम्मीद है, ये सीटें 2 से बढ़कर 4 से 5 हो सकती हैं। एक और बड़ी बात यह है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है, आपके 1 से 2 विधायक भी जीत सकते हैं। राजस्थान में तीसरे मोर्चे का विकल्प भी लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर पायलट, बेनीवाल, भारतीय ट्राइबल पार्टी और आप मिलकर चुनावी मैदान में उतर जाएं तो ये तीसरा मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ा सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सलूशन, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।